जावा सीरीज के इस वीडियो में हम जावा के अंदर टाइपकास्टिंग के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ टाइपकास्टिंग के जितने भी टाइप्स हैं उनको भी हम देखेंगे एक एक प्रोग्राम की मदद से। तो टाइपकास्टिंग बेसिकली जब हम किसी एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में असाइन करते हैं तो उसको हम टाइपकास्टिंग कहते हैं। जावा के अंदर दो किस्म की कास्टिंग की जा सकती है, यानी कि वाइडनिंग कास्टिंग और नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग जो है वो जब हम किसी स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को जब हम लार्जर डेटा टाइप वैल्यू में असाइन करते हैं तो उसको हम वाइडनिंग कास्टिंग कहते हैं। इसको एक प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से और एक मेन क्लास भी ऐड की हुई है। तो पहले मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि हम वाइडनिंग कास्टिंग जो है वो कर रहे हैं। वाइडनिंग कास्टिंग में होता क्या है कि जब हम स्मॉलर डेटा टाइप वैल्यू को किसी लार्जर डेटा टाइप वैल्यू में असाइन करते हैं। तो स्मॉलर डेटा टाइप वैल्यू सपोज मैं इंटीजर ले लेता हूँ और जो है वो लार्जर डेटा टाइप में डबल लूँगा। तो स्माइलर में इंट और वेरिएबल इंटीजर का रख लेता हूँ num1 और इसको वैल्यू दे देता हूँ सपोज 10। और इसी तरह लार्जर जो है वो मैं डेटा टाइप डबल ले लेता हूँ और इसको वेरिएबल num2 और इसको इक्वल टू कर देता हूँ num1 के। तो इसका लॉजिक कैसे होगा कि इंट इंटीजर डेटा टाइप जो है वो मेरा num1 है और उसमें मैंने 10 वैल्यू जो है वो इंटीजर की पास की है, यानी कि इसमें स्टोर जो की है वो इंटीजर की वैल्यू पास की है जो कि 10 है। इसके बाद डबल में मैंने क्या किया है कि डबल मैंने एक डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर किया है वेरिएबल जिसका नाम num2 है और उसको num1 के इक्वल कर दिया, यानी कि num1 और num1 किसके इक्वल है 10 की, लेकिन यहाँ पर जो है वो डबल है। तो यहाँ पर जो आउटपुट मैं इसका शो कराऊंगा सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और दोनों को मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले num1 कर देता हूँ और इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ num2। तो ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो 10 आएगा और इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो 10.0 आएगा। यहाँ पर मैं दिखा भी लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 और 10.0 आया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को किसी लार्जर डेटा टाइप वैल्यू में असाइन करते हैं तो उसको हम वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसके अलावा अभी हम नैरोइंग कास्टिंग देख लेते हैं। नैरोइंग कास्टिंग इसके जो है वो उलट काम करता है, लेकिन उसमें एक लॉजिक और भी ऐड करना होता है थोड़ा प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कमेंट में अभी नैरोइंग कास्टिंग। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी लार्जर डेटा टाइप वैल्यू को स्मॉलर डेटा टाइप वैल्यू में असाइन करते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले मैं कर देता हूँ डबल और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कट और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा गैप भी दे देता हूँ आपको ताकि क्लियर समझ आ जाए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं चेंज भी कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ एक बार डबल, क्योंकि हम नैरोइंग कास्टिंग कर रहे हैं तो पहले हमने बड़े वेरिएबल डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होगा। डबल num1 कर देता हूँ इसको, आप कोई भी वेरिएबल नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। तो इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ सपोज 200.453 सेमी कोलन और यहाँ पर मैं इंटीजर की वैल्यू जो है इंटीजर के लिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ num2 या इस बार num3 कर देते हैं num3 और इसको मैं कर देता हूँ num1 के इक्वल।
यहाँ पर मैं नम वन कर देता हूँ, अभी यहाँ पर मैंने नम थ्री करना होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने नम थ्री डिक्लेयर किया है। और इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने मैनुअल कास्टिंग के अंदर जो है इसको नैरो कास्टिंग को मैनुअल कास्टिंग भी कहते हैं, तो मैनुअल कास्टिंग में हम जो है वो मैनुअली जिस टाइप के अंदर हमने कन्वर्ट करना होता है अपने टाइप को तो वो हमें मेंशन करना होता है। तो मैं यहाँ पर डबल से इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एंड साइन करना चाहता हूँ, यानी कि डबल की वैल्यू इंटीजर की वैल्यू में असाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो इंट को मेंशन करना होगा। अभी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल की वैल्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, डबल के अंदर जो है वो 200.453 वैल्यू स्टोर है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इंटीजर का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है और उसको मैंने इक्वल किया है नम वन, और नम वन इसके इक्वल है, लेकिन मैंने इसको इंटीजर में जो है उसको कहा है कंपाइलर को कि इसको असाइन कर दे, इसको चेंज कर दे। तो उसने यहाँ से जो है पॉइंट हटा दिया है, डेसिमल हटा दिए क्योंकि इंटीजर यहाँ पर हमने डाल दिया है, तो उसने जो है जस्ट जो है वो इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट की है। तो इस तरह जो है हम नैरो कास्टिंग में जो है जब हम लार्जर टाइप की वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, असाइन करते हैं, तो उसको हम नैरो कास्टिंग कहते हैं। आई होप कि आपको कास्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।